केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर हुई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी कमल सदन कांकेर जिला कार्यालय में प्रदेश नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर प्रेस वार्ता और बुद्धिजीवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद मोहन मंडावी ने केंद्र द्वारा पेश बजट को आम जनता विशेषकर किसानों के हित और अंत्योदय को ध्यान में रखकर पेश किया गया जन कल्याणकारी बजट बताया। छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन सड़क, बालोद में केंद्र विद्यालय, कांकेर में मेडिकल कॉलेज, एकलव्य विद्यालय आदि इस बजट में सम्मिलित किया गया। मंडावी ने बताया कि बजट में इच्छक को 2124 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 13,578 करोड़, रेलवे के 8 नए प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई 1,358 किलोमीटर है उसके लिए 25,960 करोड़, 10 रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए 16,123 करोड़, छक को विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए नई हाईवे के लिए 1,213 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पेशवार्ता के पश्चात बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की गई, जिसमें पत्रकार, अधिवक्ता, व्यवसायी, डॉक्टर, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये बजट लोक कल्याणकारी है और भारत देश को उच्च शिखर तक पहुंचाने वाला है। सभी लोगों ने बजट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किए। जिले हैं उसमें से जो है बस्तर को जो 7 जिले हैं वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। इतने जो है मतलब इतने अगर पिछला भी बजट आया था कांचे जिला में उसके बाद भी ये जो है जिले जो है पिछड़े कहला रहा है, लेकिन सरकार उस हिसाब से लोग नहीं कर पा रही है क्योंकि वहाँ हमारा केंद्र में हमारा सरकार पैसा भेज सकते हैं, यह राज्य सरकार को अपने हिसाब से करती है। इसके दोषी राज्य सरकार मानते हैं, अब तो वो राज्य सरकार को मानते हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। क्षेत्र में 2 साल हम देख रहे हैं, 2 साल में कहीं अपना विकास नहीं हुआ। नक्सली ने पत्रकार को चेतावनी दी बजट है तो उस बजट में खराब से तो उसमें बहस करना चाहिए, पूरा विपक्ष भाग गए बजट के दिन पूरे खाली कर दिए। ऐसा बजट कभी भी नहीं आया था, ऐसा बजट सब लोग तारीफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी लोग भी तारीफ किए हमारे साथ बैठ करके। हमारे जितने अधिकार था विपक्षी लोग जो बहुजन समाज पार्टी है, नवीन पटनायक की पार्टी है, ये लोग सब बहस में भाग लिए और सब लोग इस बजट के बारे में तारीफ किए। ये हर अच्छा चीज का 17 साल तक तो बर्बाद कर दिए, 17 साल में कुछ भी नहीं किया। हमारे क्षेत्र में जेब साधन कुछ भी नहीं है, न यातायात के साधन। आप अभी देख रहे हो हमारी सरकार आने के बाद बहुत कुछ विकास हो रही है, रोड, पुल, पुलिया, कॉलेज, स्कूल, ये 70 साल के इनके शासन और हमारे शासन में आप अंदाज लगा लें कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने स्कूल कॉलेज खुले। बजट के साथ ही पेट्रोल के रेट उछाल, अब देखो विदेशी वस्तु जैसे आते हैं वहाँ का मांग बढ़ेगा तो हमारे निश्चित रूप से बढ़ना है, बल्कि राज्य सरकार जो 35% उसमें कम करना चाहिए, निश्चित रूप से कम होगा। सर बजट में जो है आकांक्षी जिला को लेकर बात कही गई, वो आकांक्षी योजना विशेष करके आकांक्षी जिला में आता है। इस आकांक्षी जिला में कुछ विशेष प्रावधान, अन्य जगह से कुछ विशेष प्रावधान है। जैसे अभी हमको 1,000 लाइट देने का है, 16 लाइट 1,000 है ना, केवल आकांक्षी जिले में था। तो पहले बजट में आया था हमें 1,000 लाइट हम लगवाए और 2 साल तक हमारा कोरोना काल निधि रोक दिया गया है। और अभी आप देखेंगे आकांक्षी जिला जहां भी हो उसमें कुछ ज्यादा बजट दे रहे हैं। बस